ट्रेड में आपके पास वैकेंसी है उसका उधर मदद कर सकते हैं, उसका हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज, कंपनी लोग अपॉर्चुनिटीज उधर दिखाएगा, दे विल बी पुटिंग देयर अपॉर्चुनिटीज, कैंडिडेट्स आल्सो कैन एनरोल विद देयर प्रोफाइल, दोनों प्रोफाइल मैच हो जाता है द कंपनी कैन कम फॉरवर्ड टू एंगेज विद द कैंडिडेट, देन फॉर द फाइनल थिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन हमारा MSDE का रोल विल कम इनटू पिक्चर। सो देयर माइट बी देयर आर ओनली थ्री स्टेक होल्डर्स यू कैन से, एक तो कैंडिडेट्स हैं जो भी ऐसा अप्रेंटिसशिप बनना चाह रहे हैं, और कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसका हम लोग एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, उनको कौन सा ट्रेड में क्या चाहता है, इट इज लाइक ए मैच मेकिंग, एंड हम लोग मीडिएटर हैं बिकॉज हम लोग एग्जाम कंडक्ट करवाना है, सर्टिफिकेशन देना है, MSDE विल कम इनटू पिक्चर। अब उसमें भी बहुत सारा इजी मेथड कर दिया है, पहले जैसा नहीं है, सब ऑटोमेशन पोर्टल में सब कुछ हो जाएगा, पहले सब कंपनी वाले उनको जो भी डिमांड है RDAT, पहले हम लोगों का नाम हुआ करता था RDAT रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, दैट यूज्ड टू कम आउट विद मैनुअल इनपुट्स, सिमिलरली बच्चे लोग उनका लेकर आएगा, ये सब मैनुअली होता था, उनको बार बार आना पड़ेगा, आजकल ऐसा कुछ नहीं, एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू पोर्टल, कॉन्ट्रैक्ट को भी आपको डाउनलोड करना है, तो पोर्टल में बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन किए हैं, और उसके बाद ये ITI बच्चे लोगों के लिए सुविधा देने के लिए एक अप्रेंटिसशिप एक साल जो भी है, एक साल और दो साल, छः महीना से तीन साल तक का ये रहता है, उन बच्चे लोगों का हम लोग इस बार क्या कर दिए हैं, आप ITI पास है, अप्रेंटिसशिप भी आप करना चाह रहे हैं, उनके लिए एग्जाम दोबारा देने का जरूरत नहीं है, टेस्ट पोर्शन लाइक उसमें मैथमेटिक्स रहता है और सब कैलकुलेशन साइंस रहता है और रेगुलर फोर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन रहता है, उसमें उसको मुक्त कर दिया गया है। तो ये चीज हम लोगों को पहुंचाना है, एक्चुअली हम लोगों को फोकस है पहले ITI इकोसिस्टम में ये चीज सब पता होना चाहिए, ITI में बच्चे लोग आते हैं मतलब जो भी मतलब ज्यादा उसको ज्ञान नहीं है वही लोग उधर आते हैं, आप उनको सोचेंगे मेरा बच्चा IIT जैसा रह रहा है, वो तो नहीं होगा, ITI बच्चे लोगों का मैथ्स पीछे नहीं आया है, वही बंदा उधर कुछ स्किल कर उनका कैरियर बढ़ाने के लिए ITI में आते हैं, आप उनको जाकर डेली मैथमेटिक्स सिखाएंगे फिर हम लोग बोलेंगे ड्रॉप आउट हो गया, तीन महीना आया बच्चे भाग गया है, इसलिए हो रहा है बार बार इसी चीज को करेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं उसको दोबारा तुम एग्जाम ही मत दो, आपका मेन उद्देश्य है ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको लेना है और उसी कंपनी में आपको नौकरी मिलना है, हम लोग भी कंपनी को एक पहले से ही उसको ट्रेनिंग देने के लिए मौका दे रहे हैं थ्रू दिस अप्रेंटिसशिप, सो बच्चे विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन आजकल ठीक है पहले एक दो साल पहले देखिएगा, हम लोग करते थे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट साल में एक बार, वो कितने बार आपको पोस्टपोन होगा भगवान जाने, और उसके बाद एग्जाम होने के बाद कब सर्टिफिकेट निकलेगा दैट ऑल्सो नोबडी नोस, सो दिस वाज द सिनेरियो, बट आजकल ऐसे करती है कि हम लोग जा रहे हैं ऑन डिमांड मोड, ऑन डिमांड नहीं गया अभी क्वार्टरली चले गए हैं, प्रेजेंट सिस्टम इज एवरी क्वार्टरली वी आर कंडक्टिंग दिस स्टेट टेस्ट दैट इज ओनली फॉर फ्रेशर्स, हम तो ITI वाले को तो दोबारा एग्जाम लिखने के लिए मौका ही नहीं दे रहे, दे डिड नॉट राइट, ओनली थिंग दे हैव टू अंडरगो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट्स, कंपनी जो भी बच्चे लोगों को लेकर रखे हैं वही लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कर उसका मार्क्स को अपलोड करना है, वंस वो अपलोड हो जाता है ऑटोमेटिकली हम लोग सर्टिफिकेट जनरेट कर देते हैं, सो इतना सुविधा दिया गया है, सो एग्जामिनेशन विच वॉज द मेजर एक हिंड्रेंस जैसा था उसको ओवरकम कर दिया गया है, फिर जो भी अटेंडेंस का है उसको भी हम लोग बिलिंग कर दिए हैं, कंपनी को 1500 देंगे उसको हम लोग 10 बार देखेंगे वो बच्चा कंप्लीट अटेंडेंस आया है क्या, नहीं तो प्रोपोर्शनेटली हम लोग कम करेंगे, वो चीज सब चल रहा था, अभी क्या किया है जो भी कंपनी जो भी 7000 से ज्यादा आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब केंद्र सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन है ओनली 1500, उससे ज्यादा वो ऑलरेडी दे रहे हैं, उस चीज में हम लोग आपका अटेंडेंस नहीं देखेंगे, पहले देखेगा हम लोग एवरी